नाजरीन जरियान के मनी बहना है मनी के बिला अरदा अखराज होने को जरियान कहते हैं जरियान जलक अगलामबाजी रिक्कत सूरत और अहतलाम की तरक् याफ़्त सूरत होती है नाज़रीन इस मरज़ में पेशाब व पखाना करते वक्त ज़रा सा ज़ोर लगाने से मनी के गाढ़े लेसदार कतरे खारिज होने लगते हैं ये लेसदार कतरे कभी पेशाब करने से पहले और कभी बाद में आते कसरत जमाशिकाबाजी मुश्तनी और गलत अदात से मादा मनविया का कसरत अखराज होता रहता है फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इसे हमेशा बहने की आदत हो जाती है यही हालत जरियान का मर्ज कहलाती है नाजरीन जिस तरह लकड़ी को गेंद खाकर खोखला कर देता है इसी तरह जरियान का मर्ज भी इंसान को अंदर से खोखला कर देता है इस दौरे जदीद में तकरीबन नबे फ़ीसद लोग इस खतरनाक मर्ज का शिकार हैं जिसकी वजह से नौजवानों में ताकत हिम्मत और शजायत दिन दिन-ब-दिन कम होती जा रही है उम्रें भी दिन ब दिन कम होती जा रही हैं नाजरीन चरियान का मरीज़ अगर अपना इलाज ना कराए और जितनी मर्जी मकवी गजा खा ले इसे कोई फ़ायदा नहीं होता है बल्कि इससे इसका मरज़ मजीद बढ़ जाता है इस मरज़ की अलामत में दिमाग कमज़ोर हो जाता है जिससे कुत हाफजा जवाब दे जाती है दर्द सर रहने लगता है चक्कर आते हैं और दिमाग खाली खाली मालूम होता है आँखों के गिरद हल्के पड़ जाते हैं और आँखें अंदर की जानब तनस जाती हैं नाजरन इस मरज़ में रोब जाता रहता है चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है दिल में भी कमज़ोरी वाकई हो जाती है मरीज़ की कुत बर्दाश्त इंतहाई कमज़ोर हो जाती है मरीज़ को ज़रा ज़रा सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती और इसे गुस्सा आने लगता है मरीज़ का जिगर कमज़ोर हो जाता है जिसम में खून की कमी हो जाती है कमर कमज़ोर होकर इसमें हर वक़्त दर्द रहने लगता है गुर्दा मसाना कमज़ोर हो जाते हैं जिससे बार बार पेशाब आने लगता है दुनिया ऐसे मरीज़ को नाकस और नकम्मा ख्याल करती है जिससे मरीज़ मजीद मायूस हो जाता है और इसकी तबीयत हर वक़्त मगमूम वहमी और परेशान रहने लगती है नाज़रीन अगर ज़्यादा देर ये मदद चलता रहे और इलाज की तरफ तवज्जो ना दी जाए तो जवानी की बहार बुढ़ापे की खजा में तब्दील हो जाती है नाजरीन जरियान के मरीज़ का इलाज ना होने की सूरत में ऐसे मरीज़ को बाद में शुगर और ब्लड प्रेशर का मरज़ भी हो जाता है नाजरीन जरियान की तशखीसी में दोनों हाथों की उंगलियों के नाखनों की जड़ें देखें इनमें आपको एक चांद सा बना हुआ नज़र आएगा अगर ये चांद बाई तरफ के नाखनों में बड़ा दिखाई दे और दाई तरफ कम हो तो जरीयान बहुत ज़्यादा बहरा है और अगर इसके मुखालफ हो तो मरीज़ तंदरुस्ती की तरफ मायल है और जरियान पर दस्तूर कम हो रहा है नाजन इस मरज़ के अबाब में जरियान और सूरत अनजाल का इलाज ना करना मनी को खारिज करने के गैर फितरी तरीके अपनाना औरतों में लकोरिया का इलाज ना कराना और देर तक शादी का ना होना इस मरज के इसबाब हैं इलाज के लिए नुस्खा नोट फरमा लें हलीला स्याह सौ ग्राम सितावर पचास ग्राम दोनों अदविया को पीस लें और किकर की की मदद से एक चने के बराबर गोलियां बना लें दो दो गोलियां सुबह शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कराएं नाजरीन पंद्रह दिन के इस्तेमाल से इन शह जरियान का मरज खत्म हो जाएगा नाजरीन जरियान के होम्योपैथी इलाज के लिए सलेशिया दो सौ खाने से एक घंटा पहले इस्तेमाल कराने से भी ये मरज़ ठीक हो जाता है नाजरन जरियान के मरीज़ को तर सरद और खुशक सरद गज़ाएँ इस्तेमाल कराना मुफीद है जिनमें मक्खन दही की लस्सी उबले हुए चावल दूध खीर सागुदाना गैया कद्दू दाल माश काली गाजर की खीर जामन फालसा चहार मगज़ की सरदाई केले तरबूज लुगाट माल्टा मीठा लीची और मौसमी खिलाना मुफीद है इसके अलावा जरियान के मरीज़ को मगज़ कद्दू मूली खीरा कच्चे आमों की चटनी तुरश अनार और इनका जूस और जापानी फल खिलाना मुफीद है नाजरीन अगर आप वीडियो के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं कोई मशवरा करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं या इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं मशवरा कर सकते हैं नाज्रीन इसके अलावा हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हेल्थ से रिलेटेड मफीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके फीमान ला